सुशांत सुसाइड केस में मुंबई पुलिस अब तक कई लोगों के बयान ले चुकी है, लेकिन मौत की गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई। हालांकि इस बीच कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो लगातार मर्डर की तरफ इशारा कर रही है। ऐसे ही कुछ बातों का खुलासा सुशांत के बचपन के एक दोस्त विशाल सिंह ने किया, जिसके बाद एक्टर की मौत पर और भी कई सवाल खड़े हो चुके हैं। जी हाँ, विशाल ने सुशांत के नौकर पर भी कई सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि सुशांत के नौकर के पास से 22 लाख रुपए मिले थे, जिसकी कोई जांच नहीं की गई, जबकि इस बात को मुंबई पुलिस द्वारा दबा दिया गया। विशाल का कहना है कि सुशांत के नौकर के पास इतने पैसे कहां से आए और इसकी जांच क्यों नहीं की गई। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि सुशांत के परिवार और मुंबई पुलिस पर अंडरवर्ल्ड का दबाव है, जिसके कारण वो खुलकर सामने नहीं आ पा रहे और सीबीआई जांच की मांग भी नहीं कर रहे। यहां तक कि जो इस मामले के लिए लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, उनके फेसबुक अकाउंट तक डीएक्टिवेट कर दिए गए। विशाल ने दावा किया कि उनके पास ऐसे कई इनपुट हैं जो मुंबई पुलिस की पोल खोल सकते हैं। इसके साथ एक और बात सामने आई जो सभी को सोचने पर मजबूर कर सकती है। सुशांत के दोस्त विशाल का कहना है कि नौकर द्वारा बताई गई सुशांत के सुबह जूस पीने की कहानी बिल्कुल झूठी है, क्योंकि उनकी मौत रात को करीब 3:30 बजे ही हो गई थी। विशाल ने कहा कि ये बात खुद सुशांत के परिवार के एक सदस्य ने उन्हें बताई थी, शायद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी। जबकि पुलिस की जांच में ये बात सामने आई थी कि सुबह जागने के बाद सुशांत ने जूस पिया और जूस पीने के बाद उन्होंने अंदर से अपना कमरा बंद कर लिया था। इसके बाद उन्होंने खुद को फांसी लगा ली। बता दें कि विशाल न सिर्फ सुशांत के बचपन के दोस्त हैं, बल्कि उनके क्लासमेट और पड़ोसी भी। उन्होंने भी सुशांत की मौत को मर्डर बताया है, जिसमें उन्होंने एक्टर के नौकर पर भी सवाल उठाया। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये तो सुशांत के दोस्त विशाल ही जानते हैं। लेकिन फैंस और कई राजनेता सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन सभी को लगता है कि सुशांत का प्लान मर्डर हुआ है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।